पहली बार आने के बाद हमको लगा कि इस जगह आना चाहिए। और ये जो सामने में आप गुफा देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे पानी आप देख सकते हैं, शिवलिंग बाबा भोलेनाथ जी का जो दिख रहा है, ये कोई मनुष्य का चिन्ह, पांव का चिन्ह नहीं है, ये भगवान श्री राम जी का चरण का निशान। दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ मिरिक्खो में, और मिरिक्खो बोकारो जिला से लगभग 50 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है ये मिरिक्खो। और ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्री राम जी का चरणों का निशान यहाँ पे स्थापित है, और मैं आप लोगों को इस ब्लॉग में दिखाऊंगा कि प्रभु श्री राम जी का चरण का निशान भी। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही धार्मिक प्लेस है। और यहाँ पे ऐसा कहा भी गया है कि यहाँ पे एक वाटरफॉल भी है, तो सारा कुछ इस वीडियो में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। आप अगर अभी तक मिरिक्खो का दर्शन नहीं किए हैं, देखने के लिए नहीं आए हैं, तो एक बार ज़रूर इस जगह को आएँ और इस जगह का आनंद लें। और ये काफ़ी प्राचीन मंदिर भी है, और काफ़ी प्राचीन वाटरफॉल भी है, और काफ़ी दर्शनीय प्लेस भी है, और ये प्राकृतिक नेचर से बना हुआ है। चारों तरफ आपको पहाड़ी इलाका दिखाई देगा और चारों तरफ घने जंगल भी दिखाई देंगे आपको। तो आप इस जगह को एक बार जरूर, वंस मोर जरूर एक बार इस जगह को विजिट अवश्य करें, काफ़ी काफ़ी खूबसूरत जगह ये। मैं दावे के साथ आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये जगह आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। तो हम और हमारे मित्र लोग अभी आए हैं इस जगह को देखने के लिए, तो चलिए वीडियो पर बने रहिए, मैं आप लोगों को यहाँ का सीन दिखाने के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों आज मैं आप लोगों को श्री राम जी के चरणों का निशान दिखा रहा हूँ, जो मिरिक्खो के नाम से ये जगह काफ़ी प्रसिद्ध है। और ये रहा श्री राम जी का मंदिर, और अभी मैं आपको इसके अंदर लेके चल रहा हूँ, और आप देख सकते हैं कि ये मंदिर काफ़ी पुराना मंदिर है। और चलिए मैं आप लोगों को श्री राम जी का दर्शन भी करवा रहा हूँ, और आप यहाँ पर देख सकते हैं साक्षात श्री राम जी का चरण का निशान है। ये देखिए, ये सामने में जो दिख रहा है, ये कोई मनुष्य का चिन्ह, पांव का चिन्ह नहीं है, ये भगवान श्री राम जी का चरण का निशान है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे दर्शन करिए, डायरेक्ट सीधे आप दर्शन कर सकते हैं श्री राम जी के चरण का निशान का। और जहाँ भी चरण पड़े हैं श्री राम जी के प्रभु के, वहाँ पे गड्ढा पड़ गया है, और अभी यहाँ पूजा अर्चना भी होती है। और आप कभी यहाँ पर आए तो एक बार मिरिक्खो में श्री रामचंद्र जी का चरण का निशान का दर्शन अवश्य करें। तो चलिए बाकी जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे, और भी चीज़ें मैं आप लोगों को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, इस जगह को दिखा रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। और आप देख सकते हैं ये मंदिर प्रभु श्री राम जी का काफ़ी पुराना मंदिर है। और ये पीछे में आप देख सकते हैं बजरंगबली जी का मंदिर भी है यहाँ पे, और शिव जी का भी मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको नज़दीक लेके चलता हूँ। आप देख सकते हैं ये बजरंग बली जी का मंदिर है यहाँ पे, और ये आप देख सकते हैं शिवलिंग बाबा भोलेनाथ जी का। और यहाँ पे भी एक मंदिर है, और आप देख सकते हैं दर्शन कर रही है प्रभु श्री राम जी का, और बाहर का नज़ारा आप देख लीजिए एक बार, हर नज़ारा है, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर। चारों तरफ घने पेड़, घने जंगल आपको दिखाई दे रहे होंगे, और बीच में बहता हुआ वाटरफॉल झरना, अभी मैं उस झरने के करीब भी आपको लेके चलूँगा। और आपको ये शोर जो सुनाई दे रही है दोस्तों, ये यहाँ के झरने का है, और आप देख सकते हैं पीछे पहाड़ों से यह पानी निकल रहा है, और यहाँ बहते 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 धीरे 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 ये एक रूप ले रही है, विकराल रूप। और आप देख सकते हैं काफ़ी नीचे में जाकर यह पानी गिरता है, तो मैं आपको अभी नीचे की ओर लेके जा रहा हूँ। और यहाँ का कुछ प्राकृतिक का नज़ारा देख सकते हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में, ये जगह काफ़ी दर्शनीय प्लेस है। और हमारे फ्रेंड्स लोग अभी वहाँ पे हैं, अभी हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं यहाँ का सीन।
हैरतअंगेज जगह एक गुफा की ओर लेके जा रहा हूँ। और ये गुफा काफ़ी पुरानी गुफा है, काफ़ी प्राचीन गुफा है। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए, मैं उस गुफा की ओर लेके चल रहा हूँ मैं आप लोगों को अभी, और आपको दिखाता हूँ ये गुफा। और ये गुफा काफ़ी प्राचीन गुफा है, आप देख सकते हैं पीछे में ये जो गुफा देख रहा है आपको, अभी मैं बैक कैमरा से दिखा रहा हूँ। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि प्रभु श्री राम जब मारीच हिरण का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँचे थे, तब मारीच हिरण को पकड़ने के लिए यहाँ पे एक बाण चलाए थे और वो बाण सीधी इस चट्टान में जाकर लगी थी, इस गुफा में लगी थी, और उसी दिन से यहाँ पे जल की धारा निकलती है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि उस समय यहाँ पे दूध की धारा निकलती थी, लेकिन युग बदला, समय बदला, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे जल निकलना शुरू हो गया। और ये जल कहाँ से निकल रही है ये किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। ये पूरा क्या पूरा पहाड़ है, चट्टान है, गुफा है, और ये जल 12 महीने यहाँ पे निकलता है, ऐसे ग्रामीणों का कहना है कि ये जल कभी भी सूखता नहीं, कभी भी बंद नहीं होता है। और अमूमन इस जगह पे अभी बहुत ज़्यादा ठंडा मुझे महसूस हो रहा है, तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरी खोद का दर्शन करने के लिए आते हैं तो एक बार इस गुफा का अवश्य दर्शन करें। और ये प्रकृति का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों। और आप यहाँ से पीछे में वाटरफॉल भी देख सकते हैं, अभी मैं चलूँगा उधर और आपको हम थोड़ा सा ऊपर की ओर दिखाते हैं सीन। काफ़ी ऊंची ऊंची पहाड़ हैं यहाँ पे। और अभी हम लोग काफ़ी थक चुके हैं और देख रहे हैं अभी हमारे सभी फ्रेंड लोग बैठे हुए हैं आराम से, इस जगह का आनंद ले रहे हैं। और ये काफ़ी प्राचीन जगह है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे मालूम चला है। तो आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा ये जगह। और कुछ एंटरटेनमेंट करते हुए देख सकते हैं बरगद के पेड़ के साथ, ये हमारे टार्जन देख रहे हैं ना, कितना एंजॉय कर रहे हैं भाई लोग। चश्मे वाले टार्जन, मजा आ रहा है ना भाई लोग, बहुत मस्त मजा एकदम। अब ये देख रहे हैं प्राकृतिक का नज़ारा गजब का है यहाँ पे, चारों तरफ हरा भरा पेड़ पौधा दिखाई दे रहा है। और आप देखिए एक और यहाँ पे झूलने का प्रयास में लगे हुए हैं, ये देखिए बड़े टार्जन, काफी मजा लग रहा है लेकिन ना। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैं अभी यहाँ पे बरगद पेड़ के पास खड़ा हूँ, और बरगद पेड़ के पीछे में देख सकते हैं कि अभी हमारे फ्रेंड्स लोग थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, क्योंकि नीचे जाने के बाद काफ़ी हम लोग थक चुके हैं। और मैं आप लोगों को फिर से एक बार यहाँ पर यहाँ का जो सामने में जो वाटरफॉल जहाँ का दृश्य है वो यहाँ से भी दिखाता हूँ। देखिए काफ़ी नीचे में बह रहा है पानी, और आप देख सकते हैं इस तरह का रोड है, इस तरह से रोड से आपको गुजरना पड़ेगा। और अगर आप कसमार तरफ से आते हैं, खैराचत्तर तरफ से आते हैं, तो ये रोड से आना पड़ेगा। अगर आप सेवाती घाटी की तरफ से आते हैं तो ये रोड से आना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं अपने फ्रेंड से कि आखिर उन लोगों को कैसा लगा यह जगह, और पहली बार आए हैं या इससे भी पहले आए हैं, तो सारा कुछ इन लोगों से कुछ पूछताछ करते हैं और जानते हैं इन लोगों के बारे में थोड़ा। इन लोग अभी मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं हमारे फ्रेंड्स लोग। तो आइए जानते हैं अपने दोस्तों से कि कैसा लगा आप लोगों को यह जगह। तो शैलेश भाई आप बताएँ कि आपको यह जगह कैसा लगा। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, मेरी खो का नाम ही सुना था सिर्फ, आज तक देखा नहीं था, लेकिन पहली बार आने के बाद हमको लगा कि इस जगह आना चाहिए। और बहुत ही प्राचीन प्राचीन जगह है, हमने आज तक इतना प्राचीन तो देखा ही नहीं है। हमने बहुत जगह घूमा लेकिन इतना प्राचीन मैंने नहीं देखा। मतलब यहाँ आने के बाद बड़ा सुकून महसूस कर रहे हैं। बहुत और रिलैक्स, इतना रिलैक्स महसूस होता है, बहुत बढ़िया जगह। आप लोग आएँ एक बार देखिए और घूमिए, विजिट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं कुछ और फ्रेंड्स हमारे साथ मौजूद हैं अभी। तो आप लोगों को कैसा लगा भाई? बहुत बढ़िया लगा, बढ़िया प्लेस लगा, एकदम बढ़िया प्लेस लगा। चलिए शंकर भाई आपको कैसा लग गया? बहुत बढ़िया है, अच्छा लग रहा है ना। करें तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग आइए इस जगह को एक बार विजिट कीजिए, काफ़ी पसंद आएगा आप लोगों को यह जगह। और यहाँ पे प्रभु श्री राम जी का चरण का निशान भी है जो काफ़ी प्राचीन है। ऐसा माना जाता है कि जब प्रभु श्री राम जी को वनवास हुआ था त्रेता युग में, तब प्रभु श्री राम जी वनवास काल जब व्यतीत कर रहे थे तो यहाँ पे पहुँचे हुए थे। आप सामने में देख सकते हैं ये जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है पीछे में, ये जो सामने में पीछे मंदिर दिखाई दे रहा है, यही मंदिर में उनका चरण का निशान है जो वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया है। तो चलिए दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ताकि और भी लोग इस जगह पे छुट्टियों के दिन में आ करके यहाँ पे अपना समय को व्यतीत करें, टाइम स्पेंड करें और श्री राम जी के चरण का दर्शन भी कर सकें और इस वाटरफॉल का आनंद भी ले सकें। सो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बहुत ही हिडन प्लेस को दिखाया हूँ इस वीडियो में, और मुझे नहीं लगता है कि यह वीडियो यूट्यूब में है। सो इस हिडन प्लेस को आप लोग ज़रा फेमस करने में मेरा कोऑपरेट जरूर करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्त एवं रिश्तेदारों को भी इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, तो जल्द मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग न्यू यात्रा में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।